हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 3 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल इंडिया के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गूगल इंडिया के जो प्रेसिडेंट और एमडी थे वो थे राजन आनंदन, जिन्होंने अभी अभी अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। गूगल जो कंपनी है ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और गूगल की पूरी दुनिया में यानी कि गूगल वर्ल्ड वाइड कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं, जिनका नाम है सुंदर पिचाई। इसके अलावा गूगल ने अभी अभी एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है बोलो ऐप। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, जो बोलो लर्निंग ऐप है ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गूगल का एक और ऐप है जिसका नाम है गूगल पे। गूगल पे का जो पहले नाम था तेज। इसके अलावा दो क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि गूगल के फाउंडर कौन है? तो गूगल के जो फाउंडर हैं दो लोग हैं, लैरी पेज और सर्जी बिन। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गूगल कंपनी की पैरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो गूगल की जो पैरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक, यानी कि अल्फ़ाबेट इंक की एक कंपनी है गूगल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पेटीएम कंपनी है, पेटीएम कंपनी की पैरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो पेटीएम कंपनी की पैरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। और ये जो राजन आनंदन ने इस्तीफा दे दिया, तो अब इनकी जो टेम्प्रोरी जगह लिए हैं वो लिए हैं विकास अग्निहोत्री। जो राजीव सूरी हैं ये नोकिया जो कंपनी है उसके सीईओ हैं, और नोकिया जो कंपनी है फिनलैंड की कंपनी है, और नोकिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। हाल ही में 5G कवरेज वाला विश्व का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये 5G लॉन्च किया गया है चाइना के हांगकाउ जिला में। जो हांगकाउ जिला है ये संघाई का एक जिला है, और चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सी जिनपिंग, और सी जिनपिंग का जो कार्यकाल है वो अनंत कार्यकाल, यानी कि ये जब तक चाहें अपने पद पे बने रह सकते हैं। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल, रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 साल होता है। लेकिन जो चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग है ये जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो है अनंत काल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी हांगकाउ। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हांगकाउ कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है संघाई शहर। संघाई शहर जो है ये चाइना का सबसे बड़ा शहर है, और चाइना में दो बैंकें हैं जिनकी आपको नाम याद रखना। एक बैंक का नाम है NDB बैंक, जिसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और NDB बैंक के जो पहले प्रेसिडेंट हैं और वर्तमान में जो हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है KV कामत। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, NDB बैंक के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है KV कामत। और एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AIIB। तो AIIB का जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में, और NDB का जो मुख्यालय वो है संघाई शहर में। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा जो चाइना की मुद्रा है वो है रेनमिन और युआन। जैसे अपने यहाँ पैसा और रुपया दो चीज़ें चलती हैं, उसी प्रकार से चाइना में चलता है रेनमिन और युआन। चाइना की दो कंपनियों का आपको नाम याद रखना, एक कंपनी है हुआई। जो हुआई कंपनी की अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, क्योंकि इसकी जो CFO है जिनका नाम है मेंग हुआंग जाऊ, तो मेंग हुआंग जाऊ को कनाडा ने अरेस्ट कर लिया था और जेल में बंद कर दिया था, इसलिए इसका नाम बहुत ज़्यादा न्यूज में आया था। तो आपको याद रखना, जो हुआई कंपनी है चाइना की कंपनी, और इसकी जो CFO है उनका नाम है मेंग हुआंग जाऊ। इसके अलावा चाइना की एक और कंपनी जिसका नाम है Alibaba.com। अलीबाबा जो .com है कंपनी, ये ई कॉमर्स कंपनी है, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है जैक मा, और इसके जो वर्तमान में CEO हैं अलीबाबा कंपनी के उनका नाम है डेनियल झांग। इसके अलावा चाइना की ओप्पो कंपनी है, वीवो कंपनी है, जाओमी कंपनी है। जो वीवो कंपनी है वो इस समय जो IPL चल रहा है इसकी इसको स्पॉन्सर भी कर रही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो 2022 के विंटर के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में। तो ये हैं विंटर के खेल, और जो 2022 में समर के खेल खेले जाएंगे, सॉरी 2020 में, वो खेले जाएंगे टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरे वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में गदा जीत लिया है? तो ये जीता है भारत की क्रिकेट टीम ने। ये क्यों दिया जाता है और ये किसको दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में गदा है ये दिया जाता है उस टीम को जो कि उस साल टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो 2018 में जो नंबर वन टीम रही टेस्ट मैचों में वो रही भारत की, इसीलिए इस साल का जो आईसीसी टेस्ट का चैंपियनशिप गदा है ये दिया गया भारत देश को। ये जो आप देख रहे हैं विराट कोहली पकड़े हुए हैं, ये है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का गदा। और आईसीसी टेस्ट चैंपियन में नंबर वन जो क्रिकेटर रहे वो रहे भारत के विराट कोहली। इसके अलावा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, भारत। और आईसीसी के अभी अभी जो नए सीईओ बने उनका नाम है मनु साहनी। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का जो अवार्ड दिया गया है मेंस में वो दिया गया विराट कोहली को, और वोमेंस में जो दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड वो दिया गया स्मृति मंधाना को। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में, और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है शशांक मनोहर, जो कि एक भारतीय हैं। ये है इस साल की जो रैंकिंग आई है आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग, इसमें नंबर वन है भारत, नंबर दूसरे पे न्यूजीलैंड, नंबर तीन पे साउथ अफ्रीका, नंबर तीन पे चार पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर पाँच पे इंग्लैंड। तो ये आपको लिस्ट याद रखना। इसके अलावा हॉकी में जो भारत की टीम है पूरी दुनिया में वो है पाँचवें नंबर पे, और फुटबॉल में जो पूरी दुनिया में भारत की टीम है वो है 103वें नंबर पे। तो ये तीन रैंकें आपको याद रखना, आईसीसी टेस्ट में भारत नंबर वन पे, फुटबॉल में पूरी दुनिया में 103वें, और हॉकी में पूरी दुनिया में है पाँचवें नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। हाल ही में विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो जो आर्टिज्म है एक डिसऑर्डर होता है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये अभी अभी मनाया गया 2 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इस साल का जो आर्टिज्म डे मनाया गया, आर्टिज्म अवेयरनेस डे, तो इसका जो थीम था वो था असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डे जो कि हाल ही में मनाए गए, जैसे 22 मार्च को मनाया गया था बिहार दिवस, इसके अलावा 1 अप्रैल को मनाया गया आरबीआई की स्थापना दिवस, 30 मार्च को मनाया गया राजस्थान दिवस, और 1 अप्रैल को मनाया गया उड़ीसा दिवस। तो 4-5 दिवस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बहरीन ग्रापी 2019 किसने जीता है? तो जो बहरीन ग्रापी है F1 की जो रेस होती है इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लुइस हैमिल्टन किस टीम से खेलते हैं और ये कहाँ के हैं। तो लुइस हैमिल्टन जो हैं ये लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के हैं, और ये चलाते हैं फेरारी गाड़ी। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, वो कौन सा है, वो है सेबेस्टियन वेटल, सॉरी ये जो लुइस हैमिल्टन है ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी। आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन जो है ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी। और एक खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, उनका नाम है सेबेस्टियन वेटल। जो सेबेस्टियन वेटल हैं ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और ये चलाते हैं फेरारी। और यही दो नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहरीन ग्रापरी जो है ये जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने, और ये इंग्लैंड के हैं और ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं लुइस हैमिल्टन। इसके अलावा जो बहरीन देश है ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है, इसकी राजधानी जो है वो है मनामा। और एक देश और है जिसका नाम है पनामा। तो पनामा को मनामा से कंफ्यूज मत करना, पनामा जो देश है इसकी राजधानी पनामा सिटी है, और बहरीन की राजधानी है मनामा। और बहरीन की जो मुद्रा है उसका नाम है बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ग्लोबल इंडियन वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदिरा नुई को। जो इंदिरा नुई है ये फार्मर पेप्सिको जो कंपनी थी इसकी सीईओ हैं, और वर्तमान में जो पेप्सिको के सीईओ हैं वो हैं, उनका नाम है रमन लैंग्वार्टा। तो ये नाम पूछा जाता है कि इंदिरा नुई किस कंपनी की फार्मर सीईओ हैं, तो ये हैं पेप्सिको कंपनी की, और वर्तमान में जो पेप्सिको कंपनी के सीईओ हैं उनका नाम है रमन लैंग्वार्टा। और जो गीता गोपीनाथ हैं ये IMF जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी बनने वाली पहली महिला अर्थशास्त्री हैं। इनको अभी अभी IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है।
और जो नैनालाल किदवाई हैं ये हैं HSBC जो बैंक है इसकी इंडिया की हेड। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि HSBC का मुख्यालय कहाँ, तो HSBC का जो फुल फॉर्म है वो है हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। तो ऑप्शन में जो दिया होता सबसे पहले हांगकांग दिया होता, उसके बाद संघाई, उसके बाद लंदन और चौथा कोई ऑप्शन दिया रहता। तो हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन से आपको ये पता चल गया होगा कि इसका जो मुख्यालय होगा या तो हांगकांग हुआ या तो संघाई हुआ, लेकिन ये गलत है। हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन जो है इसका मुख्यालय है लंदन में और ये पूरी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी बैंक है। अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी बैंक है वो है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसको बोला जाता है ISBC बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इंदिरा नुई को दिया गया इंडियन ग्लोबल इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप का समापन हुआ है, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप है ये खेली गई है ताइपे में, ये आयोजित की गई है ताइपे में और इसमें भारत ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो जीते हैं 25। अब आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि इसमें गोल्ड मेडल कितने जीते हैं। तो टोटल में जीते 25 और इसमें भारत ने जो गोल्ड मेडल जीते वो जीते 16, 5 जीते सिल्वर और 4 जीते ब्रांज। तो ये लिस्ट आपको याद रखना, टोटल 25, सिल्वर सॉरी गोल्ड 16, सिल्वर 5 और गोल्ड 4। इसके अलावा दो नाम आपको याद रखना, एक नाम है यश वर्मन ने 3 गोल्ड मेडल जीते और एक नाम और जिसका नाम है श्रेया अग्रवाल ने भी 3 गोल्ड मेडल जीते एशियन एयरगन चैंपियन में जो कि आयोजित की गई ताइपे देश में। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंडियन शूटर प्लेयर के नाम जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना, दो चीज़ें, पहला तो प्लेयर का नाम, दूसरा ये प्लेयर कौन से खेल से संबंधित, तो ये संबंधित है शूटर से यानी कि शूटिंग से और ये भारत के किस राज्य से है। तो मनु भाकर जो कि शूटर प्लेयर हैं हरियाणा से, अभिनव बिंद्रा ये भी शूटर प्लेयर हैं ये हैं उत्तराखंड राज्य से, हीना संधू पंजाब से, अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान से, राही सनोबत महाराष्ट्र से, सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से, वर्षा वर्मन भोपाल मध्य प्रदेश से। और ये जो दो नाम है लास्ट के ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करके दिया जाता है। जो नाम है सौरभ चौधरी ये हैं शूटर के खिलाड़ी और एक और मिलता जुलता नाम है सौरभ वर्मा, जो सौरभ वर्मा खिलाड़ी हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और वर्षा वर्मन ये शूटर हैं और इससे जो मिलता जुलता दूसरा नाम है वो है स्वप्ना वर्मन जो हैं ये इंडियन हेप्थेलान खिलाड़ी हैं और ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं। तो ये दो नाम आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फील्ड स्टाफ के लिए ई लर्निंग प्रशिक्षण में कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा। तो ई प्रशिक्षण में नंबर 1 जो राज्य रहा वो रहा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है मूसा नदी के किनारे स्थित है और जो तेलंगाना राज्य ये 2 जून 2014 को बना था भारत का 29वां राज्य। और तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी का नाम है वो है टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तेलंगाना के उनका नाम है ESL नरसिम्हन जो कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, तेलंगाना में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम MNJ कैंसर हॉस्पिटल जो है इसका नाम अभी आया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है चार मीनार को बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार मीनार को किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने और जो कुतुब मीनार है ये स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में UPI उपयोग के लिए शुल्क लेने वाला पहला बैंक कौन बना। तो जिसे आप UPI यूज करते हैं मोबाइल में, फ़ोनपे या फिर गूगल पे पेटीएम जो यूज करते हैं, तो उसके लिए UPI यूज करते हैं। तो UPI क्या है, अभी फ्री है लेकिन
ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये इसने कहा है कि अब UPI अगर कोई कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट होल्डर है यूज करेगा तो उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट यूज करके UPI यूज करके आप फ़ोनपे या पेटीएम या फिर गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसमें क्या किया गया है, अगर आप शुरू के 30 UPI यूज करते हैं एक महीना में तो फ्री है, अगर 30 से ज़्यादा UPI ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1,000 रुपये तक 2-2.5 रुपया देना पड़ेगा, और 1,000 से ज़्यादा अगर का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसके फाउंडर और CEO जो हैं उनका नाम है उदय कोटक। और अब ये भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, आपको याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका विलय हो गया है देना बैंक और विजया बैंक के साथ, और तीनों बैंकों को मर्ज करके जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो है बड़ोदरा गुजरात में। और एक क्वेश्चन मैं कल बताया था, जो कमेंट बॉक्स में दो लोग पूछे थे, क्वेश्चन ये बताया था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये बन गई है भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक, लेकिन कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है कि मैंने तो पढ़ा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो दोनों को आंसर सही है, लेकिन कैसे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ये पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक है, तो ये बन गई है तीसरी सबसे बड़ी बैंक। तो सबसे पहले पहली जो सबसे बड़ी बैंक है वो है SBI, दूसरी सबसे जो बड़ी बैंक है वो है HDFC, और तीसरी जो सबसे बड़ी बैंक बन गई वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक कौन है, सिर्फ ऐसे पूछा जाए तीसरी सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो उत्तर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक कौन है, तो उत्तर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि जो HDFC है ये दूसरी सबसे बड़ी बैंक है लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। तो ओवरऑल की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है, और पब्लिक सेक्टर में बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, सबसे बड़ी SBI, उसके बाद HDFC, उसके बाद BOB, लेकिन जो HDFC है ये प्राइवेट बैंक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और एक बैंक और आपको याद रखना, IDBI बैंक जो है ये पहले पब्लिक सेक्टर की बैंक थी, लेकिन IDBI बैंक में LIC ने 51% की हिस्सेदारी खरीद लिया, इसलिए IDBI बैंक को RBI ने अब प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। और LIC का जो मुख्यालय है मुंबई में है, और LIC के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है MR कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो ये अभी अभी बना है बोलविया देश, और बोलविया देश को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अभी गए हुए थे, और बोलविया देश को भारत ने $100 मिलियन का लोन भी दिया है। इसके अलावा बोलविया देश ने रामनाथ कोविंद को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। और जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये तीन देशों की यात्रा पे अभी गए हुए थे, कौन कौन से देश, बोलविया, चिली और क्रोएशिया। तो इन तीनों देशों की आपको मुद्राएं और इनकी राजधानियां पता होना चाहिए। क्रोएशिया देश ने भी रामनाथ कोविंद को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन है इसको शॉर्ट में बोला जाता है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, इसका जो मुख्यालय है वो है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। इसका मेन उद्देश्य है जो सोलर एनर्जी है, सोलर पावर है, इसको इसके लिए नई नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना और कम पैसे पे उसको निर्माण करना। और जो गुरुग्राम शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, बोलविया। अब आपको मैं बताता हूँ इन तीनों देशों की राजधानियाँ और करेंसी, क्योंकि ये तीनों देश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। बोलविया की जो राजधानी वो है सुकरी, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है बोलवियानो, और जो रामनाथ कोविंद को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है बोलविया सरकार द्वारा उसका नाम है कोंडर डी लास एंडस NL गार्डो डी ग्रान कालर। और जो क्रोएशिया देश है इसकी राजधानी जगरीब है, इसकी जो मुद्रा है वो है क्रोएशियन क्रोना, और क्रोएशिया सरकार द्वारा जो रामनाथ कोविंद को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है उसका नाम है ग्रैंड
ऑर्डर ऑफ द किंग तामिसलोलेव। तो ये दो अवार्ड दिए गए हैं रामनाथ कोविंद को। इसके अलावा जो तीसरा देश है जहाँ पे रामनाथ कोविंद गए वो है चील देश। चील की जो राजधानी वो है सैंटियागो और यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम है चीलन पीसो। तो इस प्रकार से आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक साथ 29 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।